और आवाम, क्या हाल चाल? देखिए, आपके साथ मैं हकीकी हो रहा हूँ, मैं आपके साथ रियल हो रहा हूँ। लिसन, आई एम बीइंग रियल विद यू। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है फेक केयर करने के लिए, फेक कनेक्शंस रखने के लिए, फेक कन्वर्सेशंस रखने के लिए, फेक बातें रखने के लिए, ठीक है? मेरे पास सच में अभी वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए सम टाइम ही लोगों के ऊपर, जो लोग एक दिन आपके साथ खड़े दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे ये मत कहें कि आपको मुझ पर फख्र है, जबकि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता मुझे सपोर्ट करने का, जब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे ये मत कहें कि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत कदर रखता हूँ, ठीक है? मेरी आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है। जब मुझे ये बातें आपसे अगली बार सुनने को नहीं मिलती। देखें, मैं ना अभी ज़िंदगी में नहीं चाहता मैं किसी को अपने साथ खड़ा करूं जो मुझे पता है मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, ठीक है? और नहीं चाहते कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करूं। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है झूठी मोहब्बतों के लिए। तो भूल जाना चाहिए फोर्स इंटरेक्शंस को, जहाँ पे आपको ना हमेशा बात करनी पड़ती है, आप हमेशा मैसेज करते हैं, आप हमेशा अगले का ख्याल करते हैं, अगले से प्यार करते हैं। भूल जाना चाहिए पॉइंटलेस कन्वर्जेशंस को, जहाँ पे आप इतनी देर तक किसी से बात कर सकते हैं और ना आप उससे कुछ सीखते ना वो आपसे कुछ सीखता है। भूल जाना चाहिए ऐसी पॉइंटलेस कन्वर्जेशंस को। और सबसे ज़रूरी, भूल जाना चाहिए मीनिंगलेस फ्रेंडशिप्स को, ऐसी दोस्तियों को जिसमें ना आपको पता है अगले को ना आपकी कदर है, ना आपसे प्यार है, ना आपको सपोर्ट करता है, कुछ नहीं है। आपको ये भी नहीं पता आप उससे बात क्यों कर रहे हैं। इट्स लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू देम एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट यू। तो भूल जाने चाहिए यार ये सारी चीज़ों को, और ख़ुद को इतनी ताकत देनी चाहिए कि आप ना अपना वक्त उन्हीं लोगों को दे जो आपका वक्त डिज़र्व करते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि मुझे आप पर फ़ख्र है तो प्रूव करके बताते हैं अपने सपोर्ट से। वो लोग जो कहते हैं कि आपके उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने हैं, यू मीन सो मच टू देम, और वो प्रूफ करके दिखाते हैं अपनी प्यार अपनी मोहब्बत से कि आप कितनी उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। तो ज़िंदगी में ना उन लोगों के लिए एनर्जी बनाएं कि हाँ, उन्हीं लोगों को टाइम देना जो लोग मेरा टाइम डिज़र्व करते हैं। हर किसी को टाइम देते नहीं फिरना, क्योंकि अपने आप से ये भी वादा करना है आपने कि मैंने ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अभी ऐसे लोगों पर, मीनिंगलेस फ्रेंडशिप्स, फोर्स कन्वर्जेशंस, फोर्स रिलेशनशिप्स, ऑल दिस पीपल हु डोंट इवन केयर अबाउट यू, यू जस्ट कीप ऑन गिविंग देम योर टाइम, इंक्लूडिंग मी। आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ इट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ओवरकम इट। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों से निकलने की। इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो, पूरी ज़िंदगी आप ऐसी चीज़ों में रहे हो ना जहाँ पे आप फोर्सफुली चीज़ें चला रहे हो, तो इट्स नॉट ईजी। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इन माई लाइफ विच नो लॉन्गर सर्व मी। वो लोग, वो रिश्ते, वो चीज़ें जो ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही, ना मैं उन्हें कोई फ़ायदा दे रहा हूँ। पीपल हु आर जस्ट वेस्टिंग माई एनर्जी, पीपल हु आर जस्ट ड्रेनिंग माई एनर्जी, पीपल हु जस्ट मेक मी फील मिजरेबल, डिप्रेस, एंग्शियस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यही मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था, और ये मुझे पता है मेरी बहुत सीरियस वीडियो, और आई नो दैट, बट आई हैड टू मेक दिस वीडियो। तो अगर आपको मेरे ये लफ्ज़ पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अभी सबके साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।